नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। आज की मुख्य खबरों की ओर रुख करने से पहले चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइन पर। मोदी भक्त कहने पर भड़के वकील आदेश अग्रवाल, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे मेधावियों का सम्मान। 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को आज निःशुल्क लगेगी बूस्टर डोज। राजधानी में सूरज और बादलों के बीच लुका छुपी का खेल जारी। नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने पर युवक को मिली मारने की धमकी। पहले नमाज फिर एफआईआर और अब हनुमान चालीसा की धमकी। जो काम भारत सरकार ना कर पाई वह सुष्मिता ने कर दिया। एमरजेंसी का टीजर देख अनुपम खेर बांधे कंगना की तारीफों के पुल। नेजल स्प्रे से 24 घंटे में वायरस का असर 94% तक कम। मुर्मू को समर्थन मजबूरी, उद्धव भाजपा की दोस्ती फिलहाल दूर की कौड़ी। अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा को भारत आमंत्रित करने से जुड़े हामिद अंसारी मामले में अब ऑल इंडिया बार एसो के अध्यक्ष आदेश अग्रवाल ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने अग्रवाल को मोदी भक्त बताते हुए दावा किया है कि उन्होंने भी मिर्जा को एक कॉन्फ्रेंस में बुलाया था। इसके जवाब में अग्रवाल ने कहा कि अंसारी चाहते थे कि मिर्जा को बुलाया जाए लेकिन उन्हें नहीं बुलाया गया, तो इसका तत्कालीन उपराष्ट्रपति को बुरा लगा था। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले मेधावियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अमर उजाला मेधावी छात्र सम्मान समारोह में सम्मानित करेंगे। पूरे प्रदेश में 84 बच्चे सम्मान समारोह के लिए राजधानी पहुंच गए हैं। इन मेधावियों में प्रत्येक जिले के टॉपर शामिल हैं। कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए आगरा जिले में वयस्कों को एहतियाती डोज 15 जुलाई से 165 केंद्रों पर निःशुल्क लगाई जाएगी। 18 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों को कोरोना की दूसरी खुराक लगे 6 माह हो चुके हैं वे एहतियाती खुराक लगवा सकते हैं। 30 सितंबर तक ही वैक्सीन निःशुल्क लगाई जाएगी। राजधानी में सूरज और बादलों के बीच लुका छुपी का खेल जारी है। बृहस्पतिवार को भी दिन भर सूरज के कड़े तेवरों की वजह से उमस भरी गर्मी रही। शाम को कुछ देर के लिए काले बादल छाए लेकिन तेज हवा के साथ आसमान फिर साफ हो गया। मध्य प्रदेश के सीहोर में नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने पर एक युवक को जान से मारने की धमकी मिली है। मामला सामने आने के बाद कोतवाली पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सुशांत गोल्ड सिटी स्थित लुलू मॉल में नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मॉल के जनसंपर्क अधिकारी ने सुशांत गोल्ड सिटी थाने में बृहस्पतिवार रात केस दर्ज कराया है। नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर बुधवार को वायरल हुआ था। इसमें आरोप लगाया गया है कि मॉल परिसर में बिना अनुमति के कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो की जांच कराई गई जो राजधानी के नवसर्जित लुलू मॉल का निकला। T20 लीग IPL की नींव रखने वाले ललित मोदी ने गुरुवार को एक ट्वीट के जरिए बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन से शादी का ऐलान कर दिया। हालांकि इस ट्वीट के कुछ मिनट बाद ही उन्होंने एक और ट्वीट में स्पष्ट किया है कि हमने शादी नहीं की है, सिर्फ डेटिंग कर रहे हैं। मोदी के इन दोनों ट्वीट्स के बाद सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। बॉलीवुड एक्टर कंगना इस समय अपनी आगामी फिल्म इमरजेंसी को लेकर चर्चा में है जिसमें कंगना रनौत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभा रही है। उन्होंने फिल्म का फास्टर लुक भी जारी कर दिया है। साथ ही मेकर्स ने फिल्म का टीजर भी जारी कर दिया है। दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और बेहद ही खास अंदाज में कंगना की तारीफ की है। कोरोना के खतरों
लोगों से बचाने के लिए तैयार नेजल स्प्रे से 24 घंटे के भीतर वायरस का असर 94% तक कम हुआ है, जबकि 48 घंटे में 99% तक वायरस पर काबू पाया है। मुंबई स्थित फार्मा कंपनी ग्लेनमार्क ने क्लिनिक ट्रायल के परिणामों में यह दावा किया है कि जिसे मेडिकल जर्नल द लैंसेट रीजनल हेल्थ में प्रकाशित किया है। राष्ट्रपति चुनाव में राजग उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को शिवसेना के समर्थन के राजनीतिक निहितार्थ तलाशे जा रहे हैं। इससे भाजपा और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बीच रिश्ता सुधारने की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। शिवसेना के कई सांसदों ने भी उद्धव को भाजपा से रिश्ते सुधारने की सलाह दी है, लेकिन उद्धव महाराष्ट्र की राजनीति में जिस मोड़ पर खड़े हैं उसमें इसकी संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती है। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहें हमारे साथ।